तो दोस्तों, पिछले एक दो महीने से स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, 20,000 को पार कर गई थी और उसके बाद अब धीरे धीरे कुछ गिरावट में यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में दिख रही है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल इंडिकेटर्स पे बात करते हैं तो यूएस की मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी हुई है और लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं। अब इसके क्या रीज़न है और आने वाले टाइम में अगर आप अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या चीज़ों को आपको अपने रडार में रखना है, किन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है, वो समझ कर चलना है। क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है स्टॉक मार्केट में यहाँ से गिरावट आ सकती है। उसके क्या रीजंस हैं, पहले उन रीजंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर यूएस के कुछ इंडेक्सेस पे बात करें तो डाउ जोन्स को अगर हम देखेंगे, आप देखेंगे 1 साल में 5% की रिटर्न है, 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न है, 1 महीने में भी यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो ओवरऑल जो यूएस का ये डाउ जोन इंडेक्स है ये एक नेगेटिव जोन में यहाँ पर चल रहा है। वहीं अगर हम S&P 500 की बात करते हैं जो यूएस के 500 इंडेक्सेस को बताता है, 6 महीने में सिर्फ 2% की रिटर्न है, 1 साल में हम देखते हैं तो लगभग 10% के आसपास की रिटर्न है। इंडिया के निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 साल में लगभग 10% के आसपास की रिटर्न है। तो अभी भी हालांकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास दिखती है, लेकिन ओवरऑल 1 साल में भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई है। और उसके बाद भी स्टॉक मार्केट में कुछ खराब न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से और गिरावट आने की यहाँ पर चांसेस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और वो क्या रीजंस हैं, सबसे बड़ा रीजन जो है यूएस की बॉन्ड यील्ड। तो अगर आप यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे तो अभी 5 साल को अगर हम देखते हैं तो 5 साल में हाईएस्ट लेवल पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड चल रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं तो अगर आप यहां पर देखेंगे लगभग आज से 16 साल पहले 2006, बल्कि हम और पीछे चलते हैं तो 2002 में इससे ज्यादा बॉन्ड यील्ड हुआ करती थी, यानी कि अपने 20 सालों के ऑल टाइम हाई पे इस वक्त यूएस की बॉन्ड यील्ड आ चुकी है। अब यूएस की बॉन्ड यील्ड क्या बता रही है, क्या इंडिकेट करती है, इसको हाई होने से क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, जब भी यूएस की बॉन्ड यील्ड हाई हो रही है इसका मतलब है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट यूएस में कम नहीं होने वाला, हो सकता है इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज हो। ये इंडिकेट हमेशा से जितने जैसे जैसे यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ती है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट एक्सपेक्ट करने लग गई है कि अभी यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक या तो और हो सकते हैं या जितने अभी हैं उसको बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकती है। और अगर इंटरेस्ट रेट लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू होते हैं तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट यहां पर आता है। अब इसके साथ एक तरफ तो यूएस की बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, इसके साथ रिसेंटली यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक स्पीच दी जो मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली नीडेड टू ब्रिंग इट डाउन। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये लोग जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं उससे खुश नहीं हैं और इनको लगता है कि अभी और यहाँ पर इनको कुछ टाइटनिंग करनी पड़ेगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और लोअर करना पड़ेगा। और यूएस फेड के पास इकोनॉमी की ग्रोथ को लोअर करने का क्या तरीका होता है, एक तरीका होता है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दें और नवंबर में अगला इंटरेस्ट रेट हाइक ड्यू भी हो चुका है। तो ये स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली न्यूज़ ली है और फ्राइडे को अगर हम देखेंगे यूएस की मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसकी वजह से इन्होंने जो देखिए अपना मैंडेट दिया है वो 2% की इन्फ्लेशन के आसपास का दिया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये खुद अभी भी बोल रहे हैं कि आने वाले जो मंथ हैं उनका डेटा देखेंगे और उसके बाद हम थोड़े से और कॉन्फिडेंट होंगे कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो रही है। तो अभी भी स्टॉक मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर यूएस फेड की कुछ पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा अभी
नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए चल रही है। और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, देखिए रिजल्ट सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आईटी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, बैंकिंग में मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के अच्छे हैं कुछ कंपनीज के बेकार हैं। जैसे कि आज आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे हैं, एचडीएफसी बैंक के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स नहीं थे, पीएनबी इनके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स नहीं थे, एफएमसीजी सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आईटीसी एचयूएल इन कंपनीज के भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। साथ साथ इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग भी यहाँ पर चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही है ओवरऑल नेगेटिविटी में अगर हम इस वक्त स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है अभी और कुछ महीने या एक दो महीने और एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले। और जहाँ तक बात रही है कि क्या स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश बड़े गिरावट आ सकती है, तो देखिए ये जो इन्फ्लेशन की बातें हैं, इंटरेस्ट रेट की बातें हैं, ये पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में चल रही है और उसकी वजह से ऑलरेडी काफी बार गिरावट आ चुकी है। और मुझे लगता है कि सेम बात पे बार बार गिरावट स्टॉक मार्केट में नहीं आती है, लेकिन अगर नवंबर में यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है तो ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए काफी नेगेटिव न्यूज रह सकती है। तो इस जो इंटरेस्ट रेट हाइक है इस पे जरूर नजर रखिएगा और उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि कैसे वो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है या नहीं होता है कि मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करेगी। तो ये कुछ ट्रिगर्स रहने वाले हैं आने वाले टाइम में जिसमें स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट टेड रहिए, निकलने की ज़रूरत नहीं है घबरा के डर के, लेकिन बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट इन लेवल्स पे अभी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, 15-20% पैसा अगर लमसम का है, ऑलरेडी मार्केट 20,200 से 19,500 पे आ चुकी है, तो 15-20% यहाँ पर इन्वेस्ट करिए और अगर गिरावट आती है तो तब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मार्केट के अपडेट से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।